नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपको अपने YouTube चैनल संध्या एवंनिष्ट में। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आउटसोर्स संविदा ठेका, दैनिक PRD आदि होंगे नियमित राज्य को झटका। जी हां दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों, आउटसोर्स PRD ठेका, दैनिक, उपनल, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सभी कर्मचारी होंगे नियमित। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के पक्ष में सरकार को बड़ा झटका, सरकार की SLP हुई खारिज। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी वीडियो आप जरूर जरूर वॉच करिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी न्यूज है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि हमने सुबह ही आपको बताया था कि आउटसोर्स संविदा, उपनल, ठेका और PRD कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी और अब जो फैसला आया है वह हज़ारों कर्मचारियों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कर्मचारियों को नियमितीकरण और समान वेतन देने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने सभी केसों को खारिज करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला ही मान्य रहेगा। इस फैसले के बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के संविदा, आउटसोर्स, दैनिक और ठेका कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द इसे लागू करना होगा। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ, जो लंबे समय से नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहा था, आज इस जीत के बाद बहुत खुश है। केस के अधिवक्ता और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है और उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करेगा। यह जीत उन हजारों कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इस संघर्ष में दिन रात एक कर दिया। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गलत बातें कही और आरोप लगाए, लेकिन आज का फैसला उन सभी आरोपों का करारा जवाब है। अधिवक्ता ने कोर्ट की पूरी मेहनत से तथ्यों को प्रस्तुत किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारी लंबी लड़ाई की बड़ी जीत दी है। अब राज्य सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, उन्हें कर्मचारियों का नियमितीकरण करना ही पड़ेगा। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अस्थायी पद पर काम कर रहे थे। अब उनकी नौकरियां अस्थायी होंगी और वे और उनके परिवार आगे बढ़ सकेंगे। हमारे अधिवक्ता और संगठन के सदस्यों ने इस लड़ाई को पूरी लगन और मेहनत से लड़ा है और आज की यह जीत सबके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद अब सभी कर्मचारी एकजुट होकर आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार हैं। न्याय के इस मंदिर से मिली जीत का महत्व बहुत बड़ा है और सभी कर्मचारियों को इस संजो कर रखना होगा। तो दोस्तों, ये रही आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज, खुशखबरी। तो आप लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहिए, आपको जीत ज़रूर मिलेगी। और अगर संध्या ह्यूमनिस्ट चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे अपडेट आप तुरंत पा सकें जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती हूं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पे आप बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इससे अवगत हो सकें। जो भी अपडेट आती है, जो भी जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पर देती हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।